एलीट इंस्टीट्यूट। परिवार में अक्सर विवाद होते रहते हैं, जहां बर्तन होते हैं वहां टंटन होता ही होता है। ये कहावत है मगर सच्चाई भी है, भाई भाई में अक्सर ये होता है। कभी होता क्या है कि इंसान अपनी गलतियों को खुद नहीं आकलन कर पाता है, सामने वाला व्यक्ति उनकी गलतियों का आकलन करता है, उन्हें एहसास कराता है, मगर कभी कभी उस बात को व्यक्ति गलत तरीके से लेता है और बुरा मान जाता है। परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थी, लालू परिवार पर विपत्तियाँ लगातार बढ़ती जा रही हैं और ऐसी स्थिति में अगर सबसे ज़रूरी चीज़ कोई था तो वो था लालू परिवार का एकजुट रहना। राजनीतिक परिदृश्य से अलग हटकर हम सामाजिक परिदृश्य और पारिवारिक परिदृश्य पर बात कर रहे हैं। आज लालू परिवार बिखरा हुआ है, लालू यादव की तबीयत खराब है, मीसा भारती को भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, राबड़ी देवी भी तकलीफों में है, और उतना ही नहीं निजी जीवन में तेज प्रताप यादव के साथ भी बहुत कुछ हुआ है जो कि उन्हें बहुत दुखी करता है। ऐसे में ना तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव की बातों को समझ पा रहे हैं, ना तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव की परिस्थिति को समझ पा रहे हैं। तेजस्वी यादव की तकलीफों की बात की जाए तो जहाँ एक तरफ कुछ दिनों पहले ही सत्ता के शीर्ष से नीचे गिरना पड़ा और पिता का सर से साया एक तरह से छूट ही गया है, जब वो सजा याफ्ता है लालू यादव, रांची जेल में है, तबीयत खराब है, कभी भी कुछ भी गलत हो सकता है, इस परिस्थिति को झेलते हुए सारा राजनीतिक दायित्व एक तरह से उनके माथे पर आ गया है। विपक्ष को एकजुट करना है, भाजपा और नरेंद्र मोदी की लहर को तबाह करना है, कांग्रेस से भी दो दो हाथ करते रहना है, अपनी शक्ति का सृजन भी करते रहना है, और दूसरी तरफ बड़े भाई हैं जो कि ऐसे बयान दे देते हैं जिन बयानों को रफू कर पाना तेजस्वी के बस की बाहर की बात होती है। अब तेज प्रताप की बात करते हैं। पिता की तबीयत खराब है, माँ दुखी हैं और भाई परेशान है। इतना ही नहीं, पत्नी से तलाक की नौबत आ गई है, व्यक्तिगत जीवन में भी कठिनाइयाँ हैं, हर तरफ कुआं और खाई ही नजर आ रहा है। इसके बाद अगर व्यक्ति कुछ ऐसे बयान दे जाता है और सो उम्मीद करता है कि परिवार के लोग समझ जाएंगे, और परिवार के लोग अगर नहीं समझते हैं, वो उम्मीद करता है कि मैं अपनी पत्नी को तलाक दे रहा हूं और मेरा परिवार मेरा साथ देगा, और परिवार अगर साथ नहीं देता है तो व्यक्ति आध्यात्म की तरफ जाता है तो उसे एहसास होता है कि पिता बीमार है और पिता की राजनीतिक विरासत छोटे भाई के कंधे पर, नाजुक कंधों पर रख दिया गया है। वापस आता है, उस जिम्मेवारी को संभालने की कोशिश करता है, मगर उसके व्यक्तित्व में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एग्रेसिव हैं, जिसकी वजह से वो लगातार मीडिया की सुर्खियों में बना जाता है बुरे कारणों से। अब इन दोनों भाइयों को एक मिक्सचर समझिए, एक जगह दोनों को लाइए, ये दोनों दे आर मेड अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। इन दोनों का एक साथ रहना कहीं ना कहीं जरूरी है लालू परिवार के लिए, मगर इन दोनों को एक जगह जैसे ही लाया जाता है कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे लालू परिवार की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। चाहे वो रालोसपा विवाद रहा हो, या फिर भाई वीरेंद्र का विवाद रहा हो, या इस तरह के कई विवाद रहे हों, दोनों भाइयों के अलग अलग समीकरण रहे हैं, अलग अलग विचारधाराएं रही हैं, और इन्हीं विचारधाराओं को एक करने के लिए आज 8 बजे से लगातार मीटिंग चल रही है। दोनों भाई कई दिनों बाद, कहा जाए तो लगभग 1 महीने बाद, एक छत के नीचे बैठे हैं और बातचीत कर रहे हैं। हम आपके लिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें खोज कर लाए हैं कि जब तेजस्वी यादव तेज प्रताप के आवास पर पहुंचे, उन्होंने अपने बड़े भाई का पैर छूकर इस्तकबाल किया और गले मिले, और मिलने के बाद बहुत देर तक दोनों ने बातें की। इस बातचीत में मुख्य बिंदु यही रहा कि सीटों का समीकरण कैसे होगा, और सबसे बड़ी बात जो हमने बहुत पहले आपको बताई थी स्टाम्प पेपर वाली, कि एक तरह से ये वैचारिक ही विभाजन हो गया है कार्यों का। बड़े भाई को संगठन संभालना है, छोटे भाई को सत्ता। तेज प्रताप यादव ने इस मीटिंग को कृष्ण और अर्जुन की मीटिंग कहा, वहीं दोनों भाइयों ने लालू यादव की एक तस्वीर को बैकग्राउंड में रखकर सेल्फी ली है और सेल्फी लेकर उसे लोगों के लिए लगाया है। आप इस तस्वीर को देख सकते हैं और देख सकते हैं कैसे तेज प्रताप और तेजस्वी एक ही कैनवस में बहुत दिनों बाद एक जगह हुए हैं और सेल्फी ले रहे हैं, और बैकग्राउंड में पिता की परछाई दिख रही है, एक तस्वीर दिख रही है जिसमें गरीबों के मसीहा लालू यादव दिख रहे हैं। इसके अलावा एक और तस्वीर है जो मैं आपको फिर से दिखाना चाहूंगा, कैसे तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव की पैर को छुआ और उनसे आशीर्वाद लिया। अगर हम मान के चले यहां से कि इन दोनों भाइयों में सुलह हो गया है तो यह गलत नहीं होगा,
बहुत दिनों बाद दोनों भाई बैठकर दिल की बातें कर रहे हैं और सारी जो कंफ्यूजन था उसे दूर कर रहे हैं। मीसा भारती को लेकर हो, रालोसपा को लेकर हो, अनंत सिंह को लेकर हो, माझी को लेकर हो, या किसी भी कारण से दोनों भाइयों में विवाद उत्पन्न हुआ है, उस विवाद को सुलटाने का पूरा प्रयास किया गया है। 2 घंटों तक लगातार दोनों भाई आपस में बातचीत करते रहे। इस दौरान तीसरा कोई वहां मौजूद नहीं था। दोनों भाइयों ने अकेले सेल्फी ली, तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप यादव के पैर को छुआ, और उसके बाद सबसे बड़ी बात, जिस काम के लिए ये मीटिंग हुई थी कि आगे से दोनों भाई एक दूसरे की बातों का सम्मान करेंगे। यदि तेजस्वी यादव कोई बात करते हैं तो वो सोच कर करेंगे कि तेज प्रताप यादव का उस पर क्या रिएक्शन होगा, और वही वाइस वर्सा होगा। इसके बाद आगे की रणनीति लालू परिवार के लिए थोड़ी आसान हो जाती है। अगर सब कुछ सुलट गया है आज, तो यहाँ से तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव को खोने के लिए कुछ नहीं है। पाने के लिए वो सब कुछ है, पूरा बिहार, पूरा देश पाने के लिए बचा हुआ है। अगर ये दोनों भाई चाहें तो लालू यादव की इस साझा विरासत को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। न्यूज़ बिहार पर खबरों की कमेंट्री जारी रहेगी। आप देखते रहिए न्यूज़ बिहार। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।